मतलब सपोर्ट मिल करती हूँ पार्टी में रह कर कोई तो एक स्तंभ चाहिए। हाँ। पार्टी में रह कर मैं आज 25 साल 30 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। हाँ। मेरा नाम है, मेरा कोई हर कोई मुझे जानता है। हाँ। पहचान है इसलिए कि मैं विकास का काम कर चुकी हूँ। मैं नगर परिषद में ठीक हूँ। हाँ। मैंने सबका विकास किया, सबका काम किया है। हाँ। इसीलिए जनता चाहती है कि ठीक है आए, एक बार और आ जाए। तो ये शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखे सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह चकिया रोड सिवान बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। आपके शहर सिवान में बैठ रही हैं राज हेल्थ केयर सेंटर की महिला स्त्री एवं प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता राज। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन एवं नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें राज हेल्थ केयर सेंटर, पता बढ़रिया स्टैंड V2 मॉल के बगल में, हनुमान मंदिर के सामने, पकड़ी मोड़ सिवान। तो चलिए बात करते हैं सिवान की धरती पे बहुत सारे लोग इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि बात करेंगे सभापति के चुनाव लड़ने के लिए। कई ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज के प्रति। इसी बीच एक प्रत्याशी हैं जो पूर्व में 2001 से लेकर 2006 तक सभापति का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। उस क्रम में उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया था। आज फिर से वक्त आ चुका है, इनका मानना है कि हम चुनाव इस बार लड़ेंगे और समाज के लिए जिस तरह सरकार ने पहल अपनाया है, पहल उठाकर समाज के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इस मुद्दे के तहत हम बात करेंगे इनसे कि आखिर इनका सोच विचार या जहन में कैसे बातें आई कि इस बार ये चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं सभापति। क्या बता दूँ इनके बारे में कि ये चुनाव लड़ चुकी हैं पहले 2001 में, और उस समय इन्होंने अपना जीत हासिल करके उस पद को संभाली थी सभापति का, यानी कि चेयरमैन पद में रह चुकी हैं। लेकिन इस बार फिर से जनता के बीच आ रही हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं सभापति का, यानी कि बात करेंगे सिवान शहर में, सिवान सिटी में जो सरकार ने पहल अपनाया है, पहल दिया है कि अब की बार में जो चुनाव होगा चेयरमैन का वो जनता खुद चुनेगी चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं, हमारे से जुड़ी हैं कृष्णा देवी जी जो कि महिला प्रत्याशी हैं और आज हम इनके दरवाजे इनके घर पे आवास पे पहुंचे हुए हैं इनसे जानने के लिए कि इनका मुद्दा क्या रहा चुनाव लड़ने का इस बार। मैडम स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे और चेक्समेंट इंडिया पे। ये बताइए कि आपको भी आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है, आपके सभी ग्रुप को स्वागत है। मैडम हमने लगातार क्षेत्र में हम लोग दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, जेंट्स प्रत्याशी, पुरुष प्रत्याशी, हर तरीके के प्रत्याशी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिवान सिटी में। अब तक अभी परिसमन आया नहीं, रोस्टर तैयार नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे गाँव पंचायत अपने क्षेत्र में सम्मिलित हो चुके हैं, यानी सिवान सिटी में सम्मिलित हो चुके हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका रुझान क्या रहा, इतने साल तक आप चुनाव नहीं लड़ी, इस बार चुनाव लड़ रही हैं और आप चुनाव लड़ कर जीत कर रह चुकी भी हैं अपने समाज में, अपने सिटी में, सिवान जिला में, क्या कुछ कहिएगा अभी? देखिए चुनाव में लड़ी थी और मैंने विकास का काम भी किया, उसके बाद मैं अपनी पार्टी से जुड़ी रही, समाज सेवा करती रही। किस पार्टी से जुड़ी हैं आप? मैं RJD से जुड़ी थी, राजद पार्टी से जुड़ी थी, राजद पार्टी से मैं जुड़ी थी। हाँ। और अभी भी जुड़ी हुई हूँ। तो आप जिस काल में थी, जिस समय थी, उस समय डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन जी भी थे, उस समय MP या विधायक थे? MP थे। नहीं, मेरा चुनाव भी किया था। अच्छा, NC महिला को बनना चाहिए, उस समय इन्होंने आपको निर्विरोध चुनाव जिताया था, सभापति भी बनाया था उन्होंने कि महिला निर्विरोध काम करेंगी। अच्छा, तो आपने काम भी किया था? हमने काम, यानी कहा जाए कि सबसे करीबी आज के दौर में अगर कोई है प्रत्याशी, अगर मोहम्मद साहबुद्दीन जी का, तो आप हैं। तो इसका फायदा कुछ आपको मिलने वाला है क्योंकि वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको? देखिए बात है कि अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ। बात की बात है, लेकिन मेरा जो मतलब कि ये है वो ये है कि मैं पार्टी से जुड़ी थी, जुड़ी हूँ
और मैंने समाज सेवा किया है और करती रहूंगी और आगे भी मैं सभापति बनकर भी मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, ताकि सिवान की जनता को जो भी शहर में देहात में जो भी दिक्कतें हैं अभाव हैं उनको वो मैं उनको पूरा करूँ। क्यों लड़ना चाहती हैं? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ, समाज सेवा करूँ। मैडम ये बताइए कि आप इस पर चुनाव लड़ रही हैं सभापति का, आप इसके पहले लड़ भी चुकी हैं, लेकिन इतने सालों के बाद आप आ रही हैं, तो क्या रीज़न रहा कि इतने सालों में आप नहीं दिखी कहीं, मतलब कहीं भी आपका चुनाव चर्चा नहीं हुआ, क्या रीज़न रहा? रीज़न कुछ नहीं था, रीज़न यही था कि मैं समाज में थी, मैं जनता के बीच भी थी, मैं पार्टी से जुड़ी थी और पार्टी से जुड़ कर मैं समाज की सेवा भी कर रही थी। क्योंकि सरकार का ये नया फैसला आया है कि जनता ही चुनाव करेगी, तो जनता ने कहा कि ठीक है आप आइए, जनता के बीच आइए, जनता जैसा होगा वैसा निर्णय करेगी। यानी कहा जाए कि जनता ने आपको सपोर्ट किया कि इस बार सभापति का चुनाव लड़ने के लिए आइए और आप लड़ने को तैयार हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, मतलब अभी सिवान सिटी का जो हालात है, हालात मतलब कि जैसे कि बहुत सारे प्रत्याशी इस बार निकल के आ रहे हैं, मतलब देखा जाए कि मतलब हर लोग इसमें अपने आप को कूदने का एक पैदान रख रहे हैं, हर कोई कूद जा रहा है चुनावी माहौल में, क्योंकि सरकार ने ऐसा आदेश दे दिया है। आपके जहन में तो ये बात नहीं है कि आपका तो मान लीजिए आपका हक है, आप तो लड़ चुकी हैं और आप इस पर लड़ रही हैं तो कोई बात नहीं है, तो क्या लगता है आपको? देखिए ये हेलन क्षेत्र तो है नहीं, राजनीति क्षेत्र है जी जी, और राजनीति में सबको अधिकार है, बराबर अधिकार है लड़ने का। जितने लोग इसमें आएंगे सबका स्वागत है, जनता सबका स्वागत करेगी। अब हार और जीत तो अपने अपने कर्मों पर निर्भर करता है ना, जो जैसा है जैसा जिसके किस्मत में है वैसे हार जीत होगा, लेकिन लड़ने का अधिकार तो सभी भी, बहुत दिन तक मैं समाज सेवा की हूँ, पार्टी में रहकर ही समाज सेवा की हूँ, मीना साहब के साथ ही मैं रहती थी और रहती भी हूँ, साहब के साथ शाहबुद्दीन साहब के साथ थी पार्टी में, अवध बिहारी चौधरी के साथ हूँ, तो कहने का मतलब यह है कि मैं पार्टी में रह कर भी समाज सेवा जब की हूँ, तो मुझे इसमें आने के लिए कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी सरकार ने ऐसा मौका दिया है कि सभी कोई इसमें आ सकते हैं, कोई मेरे टाइम में जनता का कोई तकलीफ नहीं हुई थी, पहले भी मेरे टाइम में कोई भेदभाव नहीं रहा था, पहले भी लोग मेरे पास आते थे जब मैं सभापति थी, तभी भी लोग मेरे पास आते थे, मैं सबका काम करती थी, सबका काम मैंने किया है, कोई ऐसा शहर में नहीं है जिसका काम मैंने नहीं किया है, हो सकता है उसी का लाभ मुझे। समय देख चुके हैं सिवान की जो हालात है, जो परिस्थिति है, स्थिति है, कई सालों से आप देखती आ रही हैं, अब तक का विकास, अब तक का रीजन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे की रणनीति बनाकर किस तरह से आप काम करने के लिए आ रही हैं समाज के लिए? मैं समाज का वो हर काम करना चाहती हूँ जो जनता तक नहीं पहुँची है, जनता जिसके नाली, जैसे कि नाली की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है हर क्षेत्र में है, रोड की समस्या तो बहुत हद तक सॉल्व हो गई है, नाली बोरी आज ऐसे नगर परिषद ऐसा क्षेत्र है जिसमें जनता को हर तरह का काम करना पड़ता है जनता के लिए, तो मैं जनता के लिए ही आ रही हूँ और जनता के लिए ही काम करूँगी, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा अपना कोई काम नहीं है। तो मैडम एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जैसे कि आप जिस रीजन में थी, जिस काल में थी 2001 से लेकर 2006 में थी, तो उस रीजन में आपने कितना बेहतर अपने समाज के लिए काम किया था? देखिए वो काल शाहबुद्दीन साहब का था, एमपी शाहबुद्दीन साहब, और जिला परिषद, नगर परिषद, सांसद, विधायक सभी ने मिलकर और सिवान के लिए जो विकास का कार्य किए हैं, हम लोग भी उसी में सम्मिलित थे, जो कार्य हुआ है तो आज कहीं दिखा दीजिए कि किसी सांसद किसी विधायक के कार्यकाल में हुआ हो। यानी कि आपको कहना है कि उनके काल में और उस काल में आप भी थी और आप भी उस पद में थी और उस पद में आपने बेहतर काम किया था? बहुत बेहतर काम किया था, क्योंकि विकास के काम में विकास पुरुष नाम ही है उनका, और वो विकास में ही लगे रहते थे, तो जब वो विकास में लगे हुए हैं, मेरे पार्टी के हैं सिवान के, अच्छा तो जब वो विकास में लगे हुए थे तो हम लोग कैसे पीछे रहते, हम लोगों ने भी खूब विकास किया, आधार जब वो नहीं है तो उनके किए हुए कामों को हम लोग पूरा करेंगे, याद करते हैं, आप लोग याद करते हैं, और जो काम अधूरे रह गए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे, मैं पूरा करूंगी। यानी कि आज उनको मिस करते हैं आप, बहुत मतलब याद कर रहे हैं आप लोग? याद करती हूँ ना, चलिए, क्योंकि वो बहुत मानते थे मुझे, बहुत ज़्यादा मानते थे, और
जो उनके जो अधूरे सपने हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी उसमें सम्मिलित होकर उसको पूरा करूं। यानी सिवान का जो स्थिति परिस्थिति है अभी, उसको बेहतर बनाने के लिए आप आ रही हैं समाज में, बस इसलिए अब इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। कोई एक पद तो चाहिए ना कुछ करने के लिए। मान लीजिए कि मैं समाज सेवा आज भी करती हूँ, आज भी लोगों का काम करती हूँ, लेकिन इस काम से लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। लोग का जो काम है जहाँ से होना है वहाँ से ना होना चाहिए, वहाँ से होना चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक पद की जरूरत है इस बार? इस बार जरूरत है। तो साथी साथ आपको तो मौका भी मिला था उस समय, इस समय 2001 से लेकर 2006 तक, तो मैंने बहुत काम किया है समाज सिवान की जनता बताएगी। काम किया आप? मैंने बहुत काम किया है, सावरी साहब थे उस समय और उन्होंने भी विकास का बहुत सारे काम किए हैं, उसी में हम लोग भी थे। विकास हम लोग पीछे कैसे रहते। अभी दूसरी चीज़ है, उनका जो विकास का काम था जो अधूरा रह गया है सिवान में, मैं चाहूँगी कि मैं उसमें सम्मिलित होकर उस काम को भी मैं पूरा करूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू मैम। अब शिकायत का मौका नहीं मिले कभी। फिर दूसरी बार सिवान की जनता कहे, जैसे पिछली बार 2001 का जो याद है कार्यकाल जनता को, इस बार का कार्यकाल भी जनता को याद रहे, मैं ऐसा चाहूँगी। चलिए धन्यवाद।